क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 14 कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। हम देखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 12, तो 12 फर्स्ट है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 16, फिर 13, 14, 15, 16। डॉट लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज, लास्ट मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 6 जा 24 10, 4 2 जा 8 माइनस 2 एक्स्ट्रा है, तो 250 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 248। देयरफॉर सीक्वेंस इज 12 16 248। हियर ए फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ए एन nth टर्म इज 248 और हमें n फाइंड आउट करना। अब सिंपल एपी का क्वेश्चन ये हो गया है, समझ में आया। पहला मल्टीपल 12, दूसरा 16, ऐसे 20 और करते करते 248 लास्ट है। तो ये सीक्वेंस आ गया आपके पास, दिस इज द सीक्वेंस। अब इसमें आपको n फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो, ए एन की जगह 248, ए की जगह 12, प्लस एन मालूम ही नहीं और डी की जगह 4। ये 12 उधर जाके पहले माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 12 इसमें से माइनस करेंगे 236, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू एन, देयरफॉर एन इक्वल टू 60। क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हैंस 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250 आंसर आ गए। ठीक है, कितने मल्टीपल हैं, 60 मल्टीपल्स, इसे हाईलाइट कर, टीचर इसी पे ध्यान देगा। क्लियर है। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर देयर nth टर्म ऑफ ए पी, दिस एंड दिस आर इक्वल। ये दो एपी बता रहा है, एक एपी बता रहा है एपी फर्स्ट, वो क्या है आपका 63 65 67 डॉट, और एपी सेकंड वो कह रहा है आपको 3 10 17 3
3, 10, 17, dot 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 dot. फिर क्वेश्चन में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल. सपोज इसमें एक टर्म है ए एन, इसमें भी एक टर्म है ए एन, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो ये n की वैल्यू पूछ रहा है, n क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका. सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, लेट nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल. तो फर्स्ट एपी की nth टर्म ए एन, तो आप लिखोगे इन फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 63, डी की वैल्यू 65 माइनस 63 यानी 2, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 2. सिंप्लीफाई करेंगे 63 प्लस 2 एन माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2 एन. ऐसे ही इन सेकंड एपी, सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म, सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म देखो 3 है, डी 10 माइनस 3 यानी 7. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी 3 प्लस एन माइनस 1 7. सॉल्व करेंगे 3 प्लस 7 एन माइनस 7 यानी 7 एन माइनस 4, 3 माइनस 7 बोथ आर इक्वल, बोथ एंड टर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61, 2n इधर आगे माइनस, 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4 ये उधर जागे, 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू 65 अपॉन 5 13, n इक्वल टू 13, देयरफॉर 13th term of terms of both the APs are equal. दोनों की जो 13th term होंगी वो दोनों की क्या होंगी, equal होंगी. Clear है? Question 16 को समझने की कोशिश करना, क्या दिया और क्या पूछा है. Determine the AP was third term is 16. कह रहा A3 अगर 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ ए सेवन, फिफ्थ से ज्यादा यानी माइनस ए फाइव बाय 12, वो 12 है ये दिया है. और पूछा क्या है आपसे, पूरी एपी पूछी है, एपी बन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डॉट 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 लगा देना. सॉल्यूशन देखना, आपको क्या दिया था, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 2d इक्वल टू 16, ये तो हमने पहले बहुत किया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. एंड ए सेवन ए प्लस 60 माइनस ए फाइव ए प्लस 4d इक्वल टू 12. सॉल्व करेंगे ए प्लस 60 माइनस ए माइनस प्लस माइनस 4d इक्वल टू 12, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 60 माइनस 4d 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 बाय 2, d इक्वल टू 6, ये d इक्वल टू 6 इसमें पुट कर दो, पुट d इक्वल टू 6, देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू 6, ये आ गया. तो a1 क्या है, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 4 प्लस 6 यानी 10, a3 की वैल्यू 10 प्लस 6 यानी 16 समेट. देयरफॉर ap is 4, 10, 16 डॉट 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 डॉट, ये आपकी एपी है. इस एपी में थर्ड टर्म 16 है, सेवंथ में से फिफ्थ माइनस करेंगे तो 12 आंसर आएगा. क्लियर है? दोबारा देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में था A3 16 दे दिया, तो A3 A प्लस 2D 16 है, एक इक्वेशन छोड़ दी. A7 A माइनस A5 12 दिया, A7 के वैल्यू A प्लस 6D, A5 A प्लस 4D. ब्रैकेट लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लोगे तो माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा.
ब्रैकेट का क्या फायदा, माइनस प्लस ये माइनस फोर डी आएगा और 60 माइनस फोर डी 2d आएगा। ब्रैकेट नहीं लोगे, गलती से प्लस रखोगे तो 10d हो जाएगा, सब गलत। AOD की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टर्म निकाल ली, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड में d ऐड कर दिया 6, थर्ड में फिर d ऐड कर दिया 16, तो ये आपकी AP है। अब क्वेश्चन देखते हैं 17th, तो 17th क्वेश्चन क्या कहता है देखना। 17th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। एपी क्या दे दी, एपी दे दी आपको 3813.253, ये दे दी। आफ्टर सॉल्यूशन में जब भी लास्ट से कोई टर्म पूछे ना तो पलट दो एपी को सॉल्यूशन। आफ्टर रिवर्सिंग दी एपी, एपी रिवर्स करके न्यू एपी हो जाएगी क्या, 253.13.8 और 3, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है 820, शुरू से 20th टर्म, क्योंकि वो लास्ट से 20 हो जाएगी जो शुरू से 20 है, तो पलटने के बाद शुरू से जो 20th टर्म है वही लास्ट से 20 हो जाती, यहां से कोई 820 आती, अब वो यहां से आ जाएगी 820, बात तो वही है। लेकिन अब इसमें ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म 253, डी निकालना है, डी बाद वाले में से पहले वाले माइनस कर दो, 3 में से 8, ठीक है ना, 3 माइनस 8 यानी माइनस 5, एन इक्वल टू 20, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 253 प्लस 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 5, तो 253 माइनस 5 को इससे माइनस कर दे, कैलकुलेशन वैसे 19 होगा, 19 5 जा 95 हो जाएगा, 95 को इसके साथ प्लस माइनस कर लेंगे, ऐसे ही कर लो, चलो 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं a 20 इक्वल टू 253 माइनस 95, तो 253 में से 100 माइनस कर दे और 5 वापस प्लस कर ले, तो 153 में 5 प्लस कर देंगे तो 158 आपका आंसर है। 253 में से 95 माइनस होंगे तो 158। ध्यान से देखना, लास्ट से जब पूछे टर्म फ्रॉम द लास्ट तो हम एपी को रिवर्स कर लेंगे, उल्टा लिख देंगे, 253 पहले और ये सब बाद में, तो अब लास्ट वाली टर्म स्टार्टिंग ए फर्स्ट टर्म हो जाएगी और लास्ट वाला नंबर माइनस सेकंड लास्ट माइनस करेंगे तो वो डी आ जाएगा। तो इस तरह से ए डी और एन तीनों पता लगे, सिंपल फॉर्मूले में पुट करके हमें इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इसमें जादू वाला काम नहीं है। क्वेश्चन 18 कहता था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, कह रहा फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24। और क्या कहता है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम दे दिया इसने 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, फिर उसने कहा है a1 बताओ, a2 बताओ और a3 बताओ, ये पूछा है उसने। तो देखना सॉल्यूशन, फोर्थ टर्म यानी a प्लस 3d प्लस एट्थ टर्म a प्लस 7d इक्वल टू 24, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। दूसरी तरफ a प्लस 6 तो a प्लस 5d प्लस 10th a प्लस 9d इक्वल टू 44, ए प्लस ए 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इक्वल टू 44, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 क्या है, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, फर्स्ट क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, माइनस 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 कैंसिल, 14 माइनस 10 4d,
44 minus 24, 20. D equal to 20 upon 4, 4 1 jar, 4 5 jar. D equal to 5. Put D equal to 5 in equation 1. Put D equal to 5 in equation 1. Therefore, 2A plus 10 into 5 equal to 24. So 2A plus 50 equal to 24. 2A equal to 24 minus 50. 2A equal to minus 26. A equal to minus 26 upon 2, yani minus 13. So first term A1 minus 13. A2 minus 13 plus में D yani 5. तो minus plus minus, तो ये हो गया minus 8. और A3 minus 8 plus 5, तो ये हो जाएगा minus 3. क्लियर है? तो इस तरह से आपकी जो तीनों टर्म है वो आपकी आ गई है, यही आपका आंसर है. क्वेश्चन 19. सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर. कह रही सुबा राव के जो शुरू में सैलरी थी वो 5000 रुपए थी और हर साल वो 200 प्लस 200 बढ़ जाती है, 200 रुपए हर साल, एवरी ईयर हर साल वो 200 रुपए बढ़ जाती है. ठीक है, ये सीन है. इन विच ईयर डिड ही सैलरी इनकम रीच 7000, 5000 से बढ़ के 7000 रुपीज वो किस ईयर में होगी, नंबर ऑफ ईयर्स. तो एक तरह से उसने एन पूछा है और ये वैल्यूज क्या क्या दी है देखना सॉल्यूशन में. उसने फर्स्ट A1 A की वैल्यू दे दी 5000. उसने D कॉमन डिफरेंस हर साल कितना हो जाता है 200 और उसने लास्ट An दे दिया है 7000 और उसने N पूछ लिया. ये क्वेश्चन है सिंपल, क्लियर है. फॉर्मूला लगा देते हैं, An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. An यानी 7000, A 5000 प्लस N माइनस 1 D यानी 200. ये दला के माइनस 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200. माइनस करेंगे तो 2000, 200 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन, कैंसिल हो जाएगा तो 10. तो 10 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आ जाएगा प्लस, तो एन इक्वल टू 10 प्लस में 1, एन इक्वल टू 11. किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000, देयरफॉर देखना किस ईयर से स्टार्ट किया था 1995 प्लस 11. 1995 में 11 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6, ये 0, ये 0 और 2, 2006. देयरफॉर इन ईयर 2006 His income reaches rupees 7000. ये आपका आंसर है, क्लियर है. 20th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 20th क्वेश्चन कहता है रामकली saved rupees 5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by rupees 1.75. रामकली ने एक हफ्ते के अंदर पहले 5 रुपए सेव किए और फिर नेक्स्ट वीक में उसमें 5 प्लस 1.75 प्लस कर दिया, फिर उसमें 5.75 था, इसमें एक और 1.75 एवरी वीक ये प्लस कर रही है वो. ठीक है, His weekly saving become n years में तो फिर उसकी weekly saving कितनी हो जाती है, पहले वीक में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, ऐसे करते करते उसकी हो जाती है रुपीज 20.75. n पूछा है तो क्या क्या दिया है देखना. उसने फर्स्ट टर्म दे दी a, सॉल्यूशन में a दे दिया 5, d दे दिया कितना बढ़ रहा है 1.75 बढ़ रहा है और an की वैल्यू दे दी, an हो गया 20.75 वीकली सेविंग.
20.75। एन पूछ लिया, सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी 20.75 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस वन डी 1.75। ये 5 उधर जाके माइनस, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। ये करेंगे तो 15.75, ये इधर आके 1.75 डिवाइड इक्वल टू एन माइनस वन, यहां भी दो डिजिट के बाद पॉइंट, यहां भी, तो कैंसिल हो गए दोनों। 5 से इन्हें कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 5 से इन्हें कैंसिल करते हैं, 5 थ्री जा 15, फिर 0, फिर 5 वन जा 5 और 2 5 5 5 जा 25। यहां पे 5 थ्री जा 15, 2 5 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 7 जा और 5 6 जा 30, 1 और 5 5 3 जा 7 वन जा 7 9 जा, तो 9 ये माइनस वन इधर आगे प्लस वन इक्वल टू एन, देयर फोर एन इक्वल टू 10 आपका आंसर है। तो यहां पे आपका ये खत्म हो जाती है एक्सरसाइज।